अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी जो कि है भुनी हुई मूंग की दाल। यह है तो सिंपल सी एक दाल, लेकिन इसको मैंने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें, और मेरी इस वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पैन मैंने गरम कर लिया है, इसमें मैंने डाला है 3/4 कप के बराबर मैंने ऑयल लिया है, जो कि तकरीबन होगा 1/4 कप। और इसमें प्याज डाल देंगे हम। मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, इसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है, वो इसमें हम डालेंगे और इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर करेंगे। तो बस इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो बस इसको हम ऑयल में से निकाल लेंगे तमाम प्याज को। तो बस को निकाल लिया है, और जो ऑयल है वो भी हम निकाल लेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून तकरीबन बीच में रहने देंगे। तो बस इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया जो मैंने फ्रेश ही कूटा है, तो आप ये ले लेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। तो बस इसको हम अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म होगा जैसे ही। तो इसमें हम डाल देंगे टमाटर जो कि मैंने ग्रेट कर लिया था, 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे, आप चाहें तो ब्लेंड कर सकते हैं। तो बस ये टमाटर डालें, इसको हम इसमें अच्छा सा मिक्स करेंगे पहले, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें जो कि मैंने 2 ली थी, मैंने बारीक बारीक से इसको कट कर लिया है, ये डाल देंगे। और मसाले, मसालों में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है रेड चिली पाउडर लिया है, नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून लिया है, और ये कसूरी मेथी है ये भी मैंने 1 टेबलस्पून ली है, और हल्दी ये मैंने ली है 1 टीस्पून के बराबर। और मसाले जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो जितना आपको पसंद हो। तो बस इन मसालों को इसमें अच्छा सा हम भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन और टमाटर भी का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए, और अच्छे से ये मसाला हमारा भुन जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो बस ये मसाला भुन गया अच्छे से और ऑयल सेपरेट हो गया है। तो बस इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर दाल जो कि मैंने ली है, तकरीबन 1 कप ली है, और इसको मैंने आधा घंटा तकरीबन भिगो के रखा है, तो इसको भिगोना लाजमी है। और इसमें साथ ही हम डाल देंगे 1 कप भर के पानी डाल दिया है मैंने, तो बस इसको एक उबाल आने देंगे पहले, तो एक उबाल आने देते हैं इसके अंदर। तो बस इसमें एक उबाल आ गया है, तो बस इसको हम मिलाकर बस इसको हम बहुत धीमी सी आंच पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, इसमें ये इंशाल्लाह बिल्कुल सही रेडी हो जाएगी। तो बस ये 10 से 12 मिनट हो गए हैं, तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी दाल कितनी अच्छी सी कुक हो गई है, दाना दाना बिल्कुल अलग है इसका, ये इसी तरह ही बनती है। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो उसमें दाल बिल्कुल बैठ जाएगी और बिल्कुल घुट सी जाएगी, जो मज़े की नहीं लगेगी। तो बस इसके ऊपर हमारा धनिया डाल देंगे, कुछ थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं वो ऊपर डाल देंगे, और जो हमने ब्राउन की करके प्याज निकाली थी वो हम ऊपर से डाल देंगे। ये डालकर और हम इसके ऊपर डाल देंगे जो हमने ऑयल भी निकाल लिया था, वो बकाया ऑयल और ये गर्म मसाला जो है हम ऊपर से डालेंगे लास्ट में। तो बस ये इस तरह डालकर तो हम तकरीबन चूल्हा बंद कर देंगे इसका, और इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। तो इसके साथ जो सर्व किया जाता है रायता, जो लाजमी इसके साथ होता है, बहुत मज़े का लगता है। तो जो मैंने लिया है दही लिया है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, जितना भी आपको रायता बनाना है, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है। मैंने तकरीबन 1 कप दही लिया है, और ये तकरीबन 1/2 कप मैंने प्याज और टमाटर को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो बस ये इसमें ऐड कर देंगे, इसमें कोई जितनी मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा और थोड़ा सा दही के मुताबिक मैंने नमक डाल दिया, इसको अच्छे से बस मिक्स करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार रायता बनता है, और ये इसके साथ लाजमी सर्व किया जाता है, आप भी ज़रूर बनाइएगा और इसके साथ इंजॉय कीजिएगा, ये बहुत मज़े का लगता है। तो बस डिश आउट करते हैं, ये देखें माशाल्लाह से हमारी दाल और विद रायता, बहुत ही मज़ेदार आपका एक मील तैयार हो जाता है। आप डिनर में, लंच में, किसी टाइम भी बनाएं, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार दाल बनती है, और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी डिफरेंट सी मज़ेदार सी दाल कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।